सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं जहाँ ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे ही मेकर्स सीरियल में कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं और इस बार भी मेकर्स वैसा ही कुछ कर रहे हैं और अब कहानी में फिर से एक नया ट्विस्ट आता नजर आ रहा है जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी देख ही रहे होंगे कि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच सुलह हो जाने के बाद अभिमन्यु की लाइफ में ग्रोथ भी नजर आ रही है। अभिमन्यु को आनंद बिरला ने बिरला हॉस्पिटल का डायरेक्टर बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ मंजरी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि अक्षरा अभिमन्यु पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है, अभी भी उसका पूरा ध्यान गोयनका फैमिली पर ही ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से सीरियल में आपको आगे चलकर बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। वहीं आप सीरियल में देख ही रहे होंगे कि अनीशा की मौत के बाद से कायरव के किरदार को दबा दबा दिखाया जा रहा है और आप सीरियल की कहानी में देख ही रहे होंगे कि कैसे कायरव की हेल्थ भी खराब होती नजर आ रही है और बहुत सारे दर्शक कायरव के किरदार को इंपॉर्टेंस देता देखना चाहते हैं और रिपोर्ट में अब ऐसी खबर सामने आ रही कि अब कायरव फिर से मौत और जिंदगी की जंग को लड़ता दिखने वाला है, जिस वजह से अक्षरा का ध्यान फिर से गोयनका फैमिली की ओर होगा और मंजरी को वो पसंद नहीं आएगा। आपका कायरव के किरदार को लेकर क्या विचार है कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।